कभी सीढ़ियों पे, कभी देखो बर्तन टूट रहे हुए, कभी कभी देखो तो ऐसी ऐसी हरकतें होती थी जो हम चीखे करके पार रखते, चौकीदार पूछता था क्या है क्या है क्या है, हम बोलते भाई ये पता नहीं क्या है, हरकतें बहुत हो रही है हमारे से। कभी हम लेटे हुए तो चादर लेके जा रहे हैं, कभी देखो क्या मसले हो रहे, कभी ऐसे ऐसे हरकतें होती थी जो बर्दाश्त नहीं हो सकती थी मुझको। उतना सा बच्चा है, तीन ने या चार, कभी दो दिखाई देते हैं, कभी तीन, कभी एक। अच्छा सही है ना, वो इतनी इतनी बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ियां है, दिखाया लेकिन हमें को नहीं पता कि वहाँ कुछ ये चीज रहती है, वो हमें ऐसे कहते थे चला गया। अच्छा बताया नहीं, हमें पता था तभी भी सीरो नहीं कहते थे। नहीं ना, लाइलमी में आ गए ना ये यार, पता नहीं क्यों लोग छुपाते हैं इस बात को। यकीन करें हम जगहों पे गए जहाँ 50 साल से कोई नहीं जाता था, उन्होंने हमें साफ बात बताई, हम गए अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे दामों वो बिक गई। हाँ हाँ। अभी हम एक फार्म हाउस पर गए थे, एक करोड़ का नहीं बिक रहा था उनका। हाँ, बताया आपने मेरे को। हाँ, जहाँ सांप आ गए थे। हाँ। माशाल्लाह 2.5 करोड़ का सौदा हो गया उसका, अभी पता चला हमें। तो ये अल्लाह पाक के हाथ में है, जबाने से कुछ नहीं होता, बंदा साफ बात बताया। जो कचरा आपने निकाला वहाँ से, कोई ऐसी चीज, कोई गठरी बनी हुई थी, दो गुड्डे पड़े हुए थे खाली उसमें। ओहो, बस बात दो गुड्डे पड़े हुए थे, एक गठरी थी जी, और एक फोम पड़ा हुआ था टुकड़ा। यहाँ से जब निकलते थे खाना वाना के, समझो ये ना एकदम समझो इस कमरे में भागते भागते समझो एकदम नीचे, और कपड़े नहीं होते थे, बिल्कुल कपड़े नहीं होते थे, नंगे नंगे होते थे। और आपको लगता था कि आपके बच्चों ने कपड़े नहीं पहने? हम ये समझते थे हमारे लिए, मैं इसको बोलता था किसने अपने बच्चों ने नहीं पहने, क्या नहीं करें, बोलती नहीं अपने लोग कपड़े पड़े ये वो। मैंने अभी कपड़े पहने, पता नहीं कैसे ऐसे कपड़े नंगे हो जाएंगे तुम्हारे बच्चे। तो पीछे भागते थे तो वो हाई होते थे नजर खुद में बुलाने वाला था, उसने बुलाया है हमें उसी के रूप में। अचानक की मिजाज चेंज हो गया, मतलब आखिर बचत हो गई एकदम, खैर उनको रवाना करो, उनको रवाना करो, लग रहा है सब ठीक है, ठीक है नहीं पता। मैं देख रहा था कि वो हमें इतना पास नहीं लग रहा था, कोई और लग रहा है भाई, बड़ी जल्दी वाला रंग नहीं लग रहा, इसलिए हमने डर लिया। उसका चेहरा नजर आया, उसके चेहरा मतलब उसका जो तेवर होगा ना, तेवर उसी की दाढ़ी से होगा, इसी दाढ़ी ही कुछ फील कर लिया। हमने तो खैर नहीं देखा, जब भी तो ये फौरन आ गई। कोई नहीं सर भाई, खोलना जाता बोलो। हाँ यार खोलना ही तो, अंदर से ही खोले जाना। हाँ हाँ जी, हुआ कैसे? आ जा बारा 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 बारा
छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं थे। सर 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 वो छोटे से पैर के निशान, हल्का सा शेड है, मुझे याद है। कमरा लाइट हटाना, मुझे याद है सिर्फ वो था। ये साथ में वाजे तौर पे नजर आ रहा है मेरे को। ये देखें, उसके बाद ये उतरा है नीचे पांव का निशान, ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, नहीं था। और ये उल्टा आ रहा है सर, भैया अंगूठा ये उंगली, ये यूं आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है। अल्लाह, ये देखो ये थे पहले। नहीं 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 नहीं, पांव इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, ये देखिए। हां हां हां, छोटे बच्चे का पांव का निशान है। ये एड़ी है, ये पूरा पैर आ गया भाई, आ गया मेरे पास। ये भी तो एड़ी है, हाँ ऊपर भी है, ये भी एड़ी है। इसकी एड़ी नहीं है, वो तो पूरा पाँव है यार दो, लेकिन वो तो पूरे पाँव है। रिकॉर्ड हो रहा है सही? हाँ रिकॉर्ड हो गया मेरे पास। ये भी? हाँ। ये पहले नहीं थे, पहले नहीं थे, ये पहले नहीं थे। शायद वो सही था, वो तो उसकी कंडीशन खराब हो रही है ना, हाथ पांव खराब हो रहे हैं यार। किसने बंद किया पता नहीं सर, हम तो खुला छोड़ के गए दरवाजा, मुझे अच्छी तरीके से याद है। उनकी क्या गलती जिन्होंने ये जगह ली है? उस बंदे को क्या हो गया था ऊपर आके पहली मंजिल पे? वो तो कह रहा हूँ बिल्कुल हालत ही चेंज हो गए साहब। तो बुलाने वाले हम पर ही चीख रहे हैं कि चले जाओ यहाँ से। अंदाज नहीं देखा उसकी, आंखें नहीं चेक की। खातून कह रही ये वो नहीं है। मुसलसल आवाजें आ रही साहब इस तरफ से, पहली मंजिल पे है। कौन कौन? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। किन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। नहीं दे सका मैं जवाबात रमज़ान मुबारक के, रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद के, इतने मैसेजेस इतने समय ने कमेंट्स, मैं नहीं दे सका सबको जवाब। कोई शायद 500 तो होंगे। तो जी आप सबको बहुत बहुत खैर मुबारक, और आप तमाम लोगों को भी रमजान शरीफ मुबारक पूरी टीम की तरफ से। और इतने दिन जो SSD की आप कह रहे थे नहीं आ सकी, वो दरअसल हम जिस जगह से आए हैं ना लास्ट टाइम, तो हमें 2-3 दिन लगे हैं रिकवर होने में, हमारी सांस बहाल होने में। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने पहली बार शायद कोविड में हमने कभी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया लोकेशंस पर, लेकिन इस जगह पर जी हमें मास्क पहनने पड़े, शायद भी सांस नहीं ले सकते। या उस लोकेशन की बात करें जो भी चलेगी ना, जो भी अभी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह हम, कि वो हम कहाँ से आए। मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा देता हूँ कि हमने जो मास्क पहने हुए हैं यार पूरी टीम में। और आपको बता दूं कि इस इन्वेस्टिगेशन में 9 लोगों ने हिस्सा लिया, 9 लोग भी नहीं टिक सके जी उस जगह पर। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ उस जगह, और इंशाल्लाह इस पर बात करता हूँ आपसे। तो हमें ना
रिकवर होने में ना, हम वहां से निकल भी गए थे ना, वो हमारे अंदर घुस गई थी वो स्मेल। आज तक की जी वर्स्ट जो कहते हैं ना, वर्स्ट लोकेशन, मतलब नेगेटिविटी की इंतहा। बहरहाल जी, ये पंखे के ऊपर बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड और डिटेल जो हमने चेक की इसकी, तो वाजे तौर पर इतना लंबा पांव जो है ना वो आपके सामने है, ये रिकॉर्ड हुआ है। और इस पंखे के पर के ऊपर जो इतनी सी जगह थी, एक फुट कह लें, इस पंखे के क्या कहते हैं इसको, ड्रम से छत का एक फुट था, एक फुट ही होता है। तो एक फुट में ये इतना लंबा पांव निकल रहा है और बाकी एक फुट में बाकी पूरा जिस्म नहीं, कैसे पॉसिबल है? अगर ये इतना लंबा पांव शिराज भी, कम से कम 5 से 10 साल के दरमियान अगर इंसानी एज हम लगाए ना किसी बच्चे का महसूस होता है जिसकी उम्र 5 से 10 साल के बीच में हो, तो क्या उसका बाकी बॉडी इतनी छोटी होगी कि वो एक फुट के अंदर आ जाए? नहीं, हो नहीं सकती। 1-1.5 फुट का ही पंखा होता है, यहाँ से 2 फुट। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इससे ज्यादा नहीं होता। तो एक तो इतना बिल्कुल ही नौमौलूद बच्चा जिसकी इतनी सी टांगे हो, इतने से हाथ हो, चलो वो समझ जाता है, इसकी आप टांग देख लें और बाकी उतनी तो हाइट ही होगी ना उसकी, मतलब हाइट छत के अंदर की। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि क्या ये दीवार से या छत से सिर्फ पांव नीचे आ रहा है? जो आपने रिकॉर्ड किया है आपको दिखाता हूँ। जब हम दिन में पहुंचे थे इस जगह पर, तो हमने कुछ पांव के निशान देखे थे जो दीवार से उतर रहे थे, उतरते हुए, तो चढ़ते हुए होते हैं ना, एक उल्टे वो नीचे की तरफ आ रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये यूं आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखो, छोटे बच्चे का पांव का निशान है, ये देखो, ये एड़ी है, ये पूरा पैर आ गया भाई, आ गया मेरे पास। अब ये कौन से कमरे में थे जो यार पता नहीं क्यों लॉक था वाहिद कमरा, वो तो उसकी खिड़की खुल जाती थी, तो खिड़की से ना कामरान के जाके उसको खोलते थे, बड़ा शोर करता था वो दरवाजा, कर रहा था सही वही दरवाजा, बहुत ज्यादा, हालांकि वो सबसे ज्यादा यूजफुल कमरा महसूस होता है जिसमें सबसे ज्यादा फर्नीचर मौजूद था उनका, उसके बावजूद उसी दरवाजे का इतना शोर था जी, और वो पता नहीं क्यों लॉक था और बाद में भी लॉक हुआ हुआ था वो। तो ये चीज नोट रखिएगा कि हमें पहले एक चीज महसूस हुई कि ऊपर से पांव के निशान नीचे आ रहे हैं, हालांकि जो यहाँ पे फैमिली रहती थी उनके बकौल कि बच्चों को वो देखते थे ऊपर भागते हुए, जो यानी शाहिद है वो ये देख रहा है कि नीचे से बच्चे ऊपर भाग रहे हैं, तो लेकिन उनके पांव के निशान उल्टे क्यों बन रहे हैं? ये समझ आ रहा है। और जब वो लेकिन निशान भी कम बने हुए, मतलब और ज्यादा होने चाहिए। ये जगह है जी जो मैं अक्सर कहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो हमें शिकायत मौसूल हुई ना घर के अंदर से, वो एक तो तहखाना, टैंक जो होता है वो फॉर सीलिंग के ऊपर की जगह, और ज्यादातर सीढ़ियों की जो नीचे की जगह होती है, वजह वहां आना जाना बहुत कम होता है लोगों का, क्योंकि हाइट भी इंसान की टकरा जाए उससे वो। अब ये वो जगह है जहां पर हमें ना ये ड्राइंग कह लें या ये शक्ल कह लें, ये मिली है, देखें। यार ये पूरा मुझे ऐसा लगा कोई शेर, कोई अजीब जानवर, और बाकायदा पूरा फेस बना हुआ उसका। अब इतनी छोटी हाइट पर जाके कोई बनाएगा क्यों और कैसे बनाएगा? ये बाकायदा कोई आर्ट वर्क लगता है किसी का, जैसे ड्राइंग पेंटिंग नहीं होती जैसे, वो इतने छोटे बच्चे इस तरह का आर्ट वर्क नहीं कर पाते मेरे ख्याल से इतना प्रॉपर, ये मुंह, ये दो आंखें, ये बाल, ठीक। तो किसने बनाई है, क्यों बनाई है, क्यों बनाया जगह जहाँ? यहाँ पे तो गर्द गुबार बहुत होता है, मकड़ियां होती हैं, तब तो घर वाले ज्यादा सामान रख देते हैं अपना, तो खाली जगह छोड़ देते हैं। और जिन जो जो यहाँ पर रहते थे उनके बकौल उनको यहाँ से जो चीजें महसूस होती थी, नजर आते थे बच्चे इसी जगह पर। ये देखें, ये हमें मिले जी छत पर 4 हाथ और नीचे 2 पांव ना। तो सुहेल भाई के बकौल ये कोई अमल भी होता है,
हाँ मैंने एक कमेंट में भी पढ़ा, एक भाई ने कहा कि भाई वो कोई कहते हैं कि ऊंट के खून पे ना आप हाथ या पांव लगा के पंजा लगा दें तो शायद बेहतर होता है, बरकत या बलाएं दूर रहती हैं। ये जी सुनी भी बात है, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं मैं, पहली बार मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन यार बात ये खून घर के अंदर, खून तो नापाक होता है, एक बात है ना, कोई पाक तो नहीं है या हलाल तो नहीं है इस तरह, उसको तो बहा देते हैं क्योंकि हमारे लिए भी अच्छा नहीं होता। सही। ये जो हम जानवर को जिबा करके उल्टा टांगते हैं, इसीलिए टांगते हैं कि उसका एक खून जो है ना वो निकल जाए, बीमारी खून के अंदर जी। और कुदरती बात है, मछली जब जी पानी से बाहर आती है तो उसका सारा खून जो है ना वो दिमाग में आ जाता है, सर में, जो जैसे ही वो मतलब दुनिया में नहीं रहती तो उसका सर साफ करते हैं, सारा खून निकल जाता है। इसी तरह जानवरों को भी जी हम उल्टा इसलिए टांगते हैं ताकि इनका खून निकल जाए, वो हलाल हो जाए। सही। तो ऐसे यार खून का निशान हाथ लगाना घर पे जब हलाल ही नहीं है, चीज पॉजिटिव ही नहीं है, तो उसका क्यों ऐसा अमल है, क्यों किसने मतलब अजीब बात फैलाई हुई है जी, जो कर रहे हैं, ये हमने पहली बार सुन रहे हैं, इस भाई ने भी कहा। और जो कर भी रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, जिसको अच्छा समझ के कर रहे हैं खुद बताए ना, सूट करती है ये बात, जो चीज आपके लिए ठीक नहीं है सही नहीं है मतलब उसको आप घर के अंदर कैसे यूज कर सकते किसी भी पॉजिटिव काम के लिए, जब आपका जहन ही तस्लीम नहीं कर रहा उस बात, अकल ही तस्लीम नहीं कर रहा तो फिर क्यों। और खुदा ना खास्ता ऐसी चीजें फिर नुकसानदेह भी हो जाती हैं। आप अगर ऐसा अमल कर रहे हैं घर में तो अगर तो किया है आपने खुद तो जो नुकसानदेह, एक होता है सदका देना, वो जब आप घर बना रहे होते हैं तो मैंने खुद देखा भी है, ना सिर्फ मुसलमानों को गैर मजहब भी, हमारे बिल्डर रहे तो वो बकायदा सदका देते थे, कॉलम पिलर्स में जहां से पिलर निकलते हैं वहां बकरों को कुर्बान करते थे, वो बांट देते थे, गोश्त खिला देते थे लोगों को। तो एक अमल होता है, कहते हैं बलाएं दूर रहती हैं जी, सदका देने से बलाएं दूर रहती हैं, तो वो तो सदका है, लेकिन यार ये चीज ना किसी सदके में नहीं समझ आ रही है मेरे ख्याल से, तो मुझे तो ठीक नहीं लग रहा अगर ये कोई अमल भी है तो। ब्लड का कैसा अमल घर के अंदर नहीं, तो ब्लड तो बेसिकली जादू टोड़ने के लिए ही यूज होता है, समझा, नेगेटिविटी को काबू करने के लिए, उसको फैलाने के लिए होता है जी। वो आपको पता ना वो उल्लू के भी ब्लड मंगाए जाते हैं जो उसके उस पर शैतानी ताकत ज्यादा आती है, मेरे मुझे भी नहीं समझ में आ रही है बात। हाँ, तो मैंने वो कमेंट पे पढ़ा था, हाँ। हमें ऐसा लगता है, हो सकता है गलत, लेकिन तजर्बा जहन समझ के मुताबिक आपसे मेरे बात शेयर की। अपना साइन दिया था, निशानी नहीं है, मुझे से डेंजर का साइन होता है, उसमें पंजा लगाया जाता है। ये जी भाई जो इनको कुछ हो गया था, मैं जब से इनसे बात करना शुरू की थी ना, ये यहाँ वहां देखी जा रहे थे, लिटरली जैसे किसी को देख रहे हो, इनको कोई नजर आ रहा हो। मैंने एक दो बार इनसे पूछा भी कि क्या वो हैं आसपास, कहते हैं बिल्कुल है। अब जब मैंने इनकी तबीयत बिगड़ते हुए महसूस किया, मुझे लगा कि ये कुछ हो रहा है इनको, मैंने इनको कहा कि आपको कोई सूरत आती है, कहते नहीं आती, कलमा कहते थे बस आता है, हालांकि आती होगी यार, कैसी बात है कि नहीं आती। अब ये पड़ोस में जो है इनकी, मैंने इनसे कहा कि कुछ पढ़ के आप इन पे था, वहां से ना लिटरली इनकी आंखों में बदलाव आया, ये मुझे घूरना शुरू हो गया जिन्होंने बुलाया था, और ये मुझे कह रहे थे आप चले जाए। वो तो सुना पूरे प्रोग्राम में, मैं इनको इतनी हर तरह से समझाया कि कोई ऐसा मसला नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी पे हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, कभी कहते हैं हमारे कैमरे टूट जाएंगे, कभी कहते हैं आपको नुकसान पहुंचाएंगे, कभी कहते हैं आप हमें जिम्मेदार ठहराओगे, अजीब अजीब से बहाने ना, अग्रेसिव हो गए थे अचानक ही सर एकदम, तो फिर ये तो हमें मारते ही तो फेंकते ऊपर से। हम नहीं छोड़ सकते आपको यहाँ, जो कह रहे थे भाई आके मसला देखे हमारा सर, हम आपको यहाँ पर नहीं रहने देंगे,
चलो चलो चलो। अब जी ये इनके साथ है, मतलब ये हमें ही कह रहे हैं वहां पर कि इसने बुलाया आपको, इन खातून ने, वो उन पर गुस्सा हो रहे हैं। होता ना कोई भी बहाना मिल जाए लड़ने का, झगड़ा करने का, कुछ उस तरह की हरकत महसूस हुई यार। वो उन पर बेचारी पे वो चीखना और हमला करना शुरू हो गए। और अब मैंने कहा, सुहेल भाई ने भी, मैंने भी, हमने कहा अच्छा भाई ठीक है, झगड़ा थोड़ी करना है ना, वो कहते हैं बहस करना तो अपने ही सर खराब करने वाली बात है, ऐसे मौके पे बहस नहीं की जाती थी, ऐसे मौके पे बस सिचुएशन को संभाला जाता है। अब मेरा मकसद था किसी तरह ना ये बाहर आ जाए, और वही हुआ। और जैसे ही भाई अभी अपने घर के अभी दहलीज पे पहुंचे थे, इन्होंने ना अपना सर पकड़ा जैसे अभी ये गिर जाएंगे। हमने इनको संभाला और कोशिश की कि सिचुएशन को मैनेज करें, मैंने लाके बिठा दिया साथ, वो बेचारे जो है ना अपना सर पकड़ के बैठे। और जगह का असर पड़ गया इनको, या इन पर कुछ हावी हो गई ऐसी तबीयत, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल चलते चलते अचानक ही बिगड़ गए। बिल्कुल ठीक थे, हर तरह से मतलब सपोर्ट कर रहे थे, हमें बता रहे थे, तंबीह कर रहे थे ऐसा करें ऐसा मत करें नॉर्मली। लेकिन जैसे ही दाखिल हुए थे ना घर में चिराग भी, यहाँ वहां मुस्तकिल परेशान थे बहुत। और जहां मैंने इनको कुछ पॉजिटिविटी की तरफ लाया ना, मैं पढ़ने की तरफ या कुछ ऐसे, वहां एकदम जो कहते ना बिगड़ गए। और ऐसे बिगड़े जैसे जी ये किसी और के अल्फाज कह रहे हो, ये किसी और की समझने जद में आ गए हो, या भी किसी और के असर में आ गए हो, और बाहर निकलते ही बेहतर। खैर हमने इनको रवाना किया, और ये जो कमरा था जहां पर सबसे ज्यादा मसाइल जो महसूस हुए हमें, पाँव के निशान भी हुए, सर ये फिर लॉक था। कैसे लॉक था, क्योंकि आप सब बाहर आ गए हो भी, अभी अंदर कौन है? ये वाहिद कमरा था जो शाम को भी लॉक था, और वाहिद कमरा था कि उस फैमिली के जाने के बाद भी लॉक था, इसके बाहर से हमें आवाजें भी आ रही थी। हैरत की बात है, समझ से बाला तक चीज थी कि ये कैसे हो सकता है, पता नहीं लॉक खराब था उसका क्या था। लेकिन यार अगर वो दरवाजा बंद होता तो वो आवाज तो आती चिड़चिड़ाहट की जो इतनी जोर से आ रही थी, तो आप आगे पीछे कह रहे थे, अंदर भी जा रहे थे तो पीछे भी बंद होता हुआ जा रहे थे, और ये बंद ही हो रहा था उस वक्त भी, ये आवाज से बंद होता हुआ जा रहा था। सुन रहे? हाँ बहुत क्लियर, छोटे बच्चे। ये मुझे खुशी हुई जी महसूस की लोगों ने भी ये आवाजें, कि भाई ये तो एक स्कूल था पूरा, स्कूल भी किंडरगार्टन स्कूल नहीं होता, बहुत ही छोटे बच्चों का, जिसमें सिर्फ अजीब सी कह कहे और शरारती हंसियां। ये अभी मैं दरवाजे पे था और हम परेशान थे कि यार कौन लॉक कर रहा है इसको, हमें हंसी की आवाजें आ रही हैं यहां से, ये सीढ़ी वाले फ्लोर इस जगह से। सुनिएगा, सुन वैसे लग रहा है कि दीवार के पीछे से आपके पीछे सो गई है कोई, मतलब हमारे बीच में जैसे कोई दीवार है, जैसे कोई हंसता हुआ खेलता हुआ भाग रहा है कि जैसे मुझे पकड़ो मेरे पीछे आओ मैं नजर नहीं आ रहा, छुपन छुपाई कुछ तरह की टोन में आप नोट कीजिएगा। अब ये आवाज कैसी है यार, जैसे कोई जानवर और बच्चों की मिक्स आवाज नहीं होती, ज्यादा तो बच्चों की लग रही है, इंसानी बच्चों की लग रही है, लेकिन इंसानी बच्चे वहां कहां पे हैं? कुलकुला ही कहते हैं ना इसे, हंसना खुशी से। और ये बच्चे बड़े मूड में होते हैं ना, जॉली मूड में, शरारती मूड में, 100% पीक पे हो ना जब करते हैं, बहुत कम ही मतलब इस माहौल में से बच्चे खुश होंगे बिल्डिंग में। रात का टाइम, रात के अंदर ये हुआ सिचुएशन, ये है कि जी वो फैमिली चली गई है, मैं आया हूँ, मैं नीचे कमरे पे हूँ जो लॉक था, मैं उसी पे हैरान हूँ कि ये हमें आवाजें अपने ऊपर पीछे ले आई। लग ऐसा रहा कि जिससे उनको पसंदीदा खिलौना मिल गया और वो उनका कुछ खेलना चाह रहे हैं, लग ऐसे रहा, लग ऐसे रहा। नहीं डराए हमें, बलाए मेहरबानी हमें मत डराए, वो कैमरा
सीढ़ी के नीचे की जगह और ये टक, ये सोर्स थी उन आवाजों की। लेकिन सच्चा लग तो ऐसा था कि बहुत ही करीब से आवाज आ रही है इनकी दीवारों से। वो शायद ईवीपी में यहाँ तक रिकॉर्ड हो रही, लेकिन हमें जो महसूस हो रहा था ना, अच्छा, वही महसूस हो रहा था कि यार ये सोर्स है जहाँ से आवाजें आ रही। अब यार हम वहां मौजूद है, नजर हमें कख कुछ नहीं आ रहा और आवाजें इतनी वाजे आ रही जैसे कोई यहाँ से अब भाग जाता है यार, पाँव के पास से निकल जाता है, टांग के बीच में से निकल जाते हैं आवाजों के साथ। अब सोचे क्या हाल हुआ होगा हमारा वहां पर। यही सीढ़ियां जी ऊपर जो पंजे के निशान है, सुनी आवाज आपने। अब क्या हुआ, आपने प्रोग्राम में देखा कि जी पूरी टीम ने फैसला किया कि यार हमें जो मिलना था उससे बढ़ के हमने चीजें रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। क्यों, ये जगह ऐसी थी कि वो आपके ना औसान खता कर देते, आपके हावी हो जाते आप पर, जैसे उन भाई पर हावी हुए। क्या पता खुदा ना खासा हमारे टीम में से ही कोई ना कुछ ऐसा अपना नुकसान कर बैठता, तो हमें स्टेप बैक करना था। अभी मैं नीचे उतर रहा था कि मुझे फिर इसके अंदर से आवाज आई, और वो ऐसी आवाज थी जैसे कोई आप कहते ना तनकीदी हंसी, कि कोई आपका मजाक तन कोई हंसी मतलब आपको मजाक उड़ा रहा, जैसे वो आवाज सुन के मैं फिर कोशिश की, मैंने ये देखे एक चीज नोट कीजिएगा, ये आपने फ्रेम देखा, आपको कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है ना फ्रेम में, कंटिन्यू देखिए, देखिए सर। अब ये डस्ट पार्टिकल्स कह लें, ऑब्स कह लें, इनको देखिए कितने हैं, ये कैसे कैसे, इससे पहले तो रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें नहीं जी, उसी वक्त क्यों कैसे, जैसे आंधी नहीं चल गई हो, एक साइक्लोन कह लें आप, भंवर इतना तेज जैसे कोई घूम रहा हो अंदर, मट्टी जो है ना ऐसे उड़ रही हो गोल 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 गोल। अब मुझे आप ये देखे ना, ये कंटिन्यू फ्रेम है, ये मैंने खोला है, ये फ्रेम आपके सामने है, ठीक है, ये पर्दा हटाया, ये सब आपके सामने है, ये देखिए, ये देखिए कितने हैं यार। हालांकि तो बोला नीट एंड क्लीन कमरा था ये, तो डस्ट नहीं है सजा दे। वो जो बंदा था अभी आप बात कर रहे हो ना, उसमें वो उसमें कुछ हो गया था, तो प्रोग्राम के अंदर मैं एडिट कर रहा था, तो मैंने और जाते हुए देखे थे उसके अंदर ना, उसके उसी मतलब उसी फ्रेम में पत्नी उसके ऊपर गए या उसके अंदर गए, उसके बाद वो बिगड़ा है क्या, वो अल्लाह आलम क्या कहानी। तो अब ये तो उधर भी क्या कहते हैं, ये डस्ट पार्टिकल नहीं है तो ऑर्ब्स है। अब ये देखो ना, क्या अंदर आंधी आ गई थी, तूफान आ गया था, क्या हुआ था अंदर यार, पंखा भी बंद था, कि चलो पंखा चल रहा हो, मट्टी मट्टी हो गई हो, लेकिन एक लम्हे में इतनी कैसे हो गई। आपने फ्रेम खोला है, खिड़की खोली, आपने देखा है, कुछ नहीं है। मुझे महसूस हो रहा था चीजें यहां वहां जा रही थी, बेड के नीचे कोई वॉशरूम में कोई, मुझे ये साए नजर आ रहे थे, मैंने कह रहा था कि अभी कोई नीचे गया, लेकिन जब मैं फ्रेम चेक कर रहा हूँ, किस किस को देखेंगे आप, कितने सारे हैं, बहुत ज्यादा है। ये तो ऐसा ही जैसे रेगिस्तान में खड़े हो जी, ये देखिए क्या कहोगे इनको यार, नहीं समझ में आ रहा, ये साफ सुथरे कमरे के अंदर इतनी डस्ट है, इतनी चीजें कहाँ से, लग तो खैर डस्ट ही रही है क्योंकि अभी आपने दोबारा दिखाया मुझे, क्योंकि ये उसमें से नीचे गिर रही है, जमीन की तरफ जा रही है जी, बारिश या बर्फबारी नहीं, उस तरह का माहौल इतनी तेज। अच्छा जी, इसी पे जी हम कंटिन्यू हैं, या नजर नहीं आ रहा था तो ये देखा है हमने, ये देखिए ये एक नजर आ रहा है, हाथ या पांव, ये नजर आ रहा है। खाने के ऊपर छत मार्बल की बनी हुई है शायद, और ये दीवार है छत की, यहाँ पर भी अगर आप फ्रेम चेक करें तो लग ऐसा रहा है कि टांग जो है ना बस वो ऊपर से आ रही है, ये लटकी हुई है। अच्छा एक बात जो और मैच हो रही है वो ये कि इस कपड़े नहीं होते थे,
अजीब बात है जी, नंगे बिल्कुल नंगे कह रहे हैं, कपड़े उन बच्चों के नहीं होते थे, उनको लगता था इनके अपने बच्चे हैं, और भागते थे, हैरान होते थे कि यार अभी तो हमने कपड़े पहनाए हैं, वो आके लेके तो कमरे में सो रहे होते थे। इंसानी बच्चे तो कपड़े उतारते ही नहीं, शुरू से उनको बताया जाता है कि पहनना है पहनना है जी। अब जितने भी उन्होंने देखे ना, एक बात और बताई उन्होंने जो थोड़ी सी हैरान को ना हुई है, सुना सा बच्चा है, तीर ने या चार कभी दो दफा देते हैं, कभी तीन कभी एक, नहीं है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी उनकी दाई है नहीं, बच्चों के कहाँ बाल निकलते हैं, तो कुछ और ही फिनोमेना है। जो एक भाई ने मुझे बताया कमेंट में किसी डाल पे, वो ने जिन्ना है, और एक बात जो हमने भी आज तक कई बार नोट की, रिपोर्ट हुआ है जी केस, वो ये कि जिन्नात जो हैं ज़्यादातर जो ट्रैवल करते हैं या जो यहाँ से वहाँ मूव होते हैं, वो बहुत छोटी हाइट में होते हैं, 3 से 4 फुट की हाइट पर ज़्यादातर देखे गए हैं रिकॉर्ड, वो जिनको लोग बच्चे कहते हैं, असल में वो बच्चे नहीं होते, इनका ट्रैवल करना या वाजे होना या रिकॉर्ड होना ज़्यादातर 3 से 4 फुट की हाइट पर देखा जाए। शरीर जिन्नात ज़्यादातर इस तरह से कर रहे हैं, वरना तो इनकी तो हैबत ही बड़ी बड़ी भी है जी, मतलब जो ज्यादा रिकॉर्ड किए हैं लोगों ने, देखे हैं ना, वो बच्चों की सूरत में देखे। आप मुझे बताएं कौन सा बच्चा जिसकी इतनी लंबी दाढ़ी है, तो बड़ी उम्रदार है, जितनी दाढ़ी बता रहे थी लंबी लंबी, ये तो 300 साल 400 साल 500 साल 1000 साल पुरानी। अब एक को धोखा हो, वहम हो, इनको चौकीदार को, सबको, पूरी गली को, पूरे इलाके को, यार इस पूरे इलाके में ये वाहिद गली जिसमें सिर्फ ये घर आबाद था, वो भी बाकी कोई मुकम्मल ही नहीं हो सका ना, आबाद तो दूर की बात। मैं जब टर्न ले रहा था इनके घर की तरफ, गए, मैं तो हैरान हो गया कि यार रास्ता ही नहीं, सोसाइटी की कैसी गली है जिसका रास्ता नहीं है, और उसमें कोई घर आबाद नहीं है, आबाद छोड़ा मुकम्मल ही नहीं है सिवाय इनके घर के। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद वो चीजें पहले से यहाँ मौजूद की इलाका यार। फिर इन्होंने क्या किया कि वहां पर एक सामान रखा हुआ था इनके शिफ्ट होने से पहले दिल्ली में, जिसको इन्होंने उठाकर फेंक दिया। फिर मैंने इनसे पूछा क्या आपने कोई कुरान पानी वहां पर पाक सफर नथिंग कुछ ये क्या किया इन्होंने, जिस पर मैंने शेयर किया आपसे, एक्सेप्ट किया कि नहीं हमें इस चीज का पता ही नहीं था, ये समझ नहीं थी। तो एक बात है यार, सफाई निस्फ ईमान है, आधा काम तो आपकी सफाई कर देती, और जब आप एक जब जिस टाइम पे कर रहे हो उस टाइम पर नहीं कर रहे, बाद में करते हैं तो फिर रिएक्शन आते हैं, जैसे न्यू कराची वाले उस घर में आया था जहाँ से सामान फेंक दिया बाहर, यार दिन दहाड़ हम पहुंचे थे, पूरे इलाके ने देखा कि सामान हवा में आ रहा है जी, और फेंकने वाले नजर नहीं आ रहे, जो जा रहा है उसको थप्पड़ पड़ रहा है, पूरी फैमिली को मार पड़ी थी वहाँ। ये दिन दहाड़े सब कोविड के दिनों में हमने रिकॉर्ड करके दिखाया था, रोड पे रखा हुआ सामान उनके रोड पे था, उधर दूध वाला नहीं आता था दूध देने, केबल वाला केबल का कनेक्शन नहीं लगाता था उस घर में, जहाँ हमने मुझे टैंक के अंदर एक अमल भी किया हुआ नजर आया था, याद है मेरे इसी तरीके से, बड़ा परेशान कुछ माहौल था वहाँ। अब जी बकौल इनके कपड़े नहीं है, और अगर हम इधर रिकॉर्ड करें जितना हम रिकॉर्ड कर सके, इतना बड़ा पाउंड जी ये रिकॉर्ड हो रहा है, लग किसी टीन एज का रहा है, लेकिन उसके ऊपर हाइट है 1 फुट, जहाँ पॉसिबल नहीं है कि आपका बाकी जिस्म या धड़ जो है ना वो एडजस्ट हो सके वहाँ पर, बाकी आपके सामने पूरा हमने देखा है इसको, तो महसूस ऐसे होता है जैसे वो उल्टे पाँव ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो शायद ये छतों से सिर्फ इनके पाँव निकल रहे हैं या और चीज़ें निकलती, लेकिन वो जो भंवर था ना एक साइक्लोन कह लें, ये शायद इनकी तादाद बता रहा है या इनका गुस्सा बता रहा है या उस जगह उस घर में अपनी मलकियत का इशारा दे रहा है। तो इससे जो सबक हमें मिलता है जी वो ये कि सबसे पहले तो साफ सफाई, फिर एक अगर कोई सामान कोई चीज़ आपकी नहीं है तो जिनकी है उन तक पहुंचा दें, वो जाने उनका काम जाने, और फेंके मत, और जहाँ पॉजिटिविटी होगी ना वहाँ नेगेटिविटी नहीं होगी, तो पॉजिटिविटी से शुरुआत करें ताकि आगे भी मामले जो है ना वो ठीक रहे। ये धीरे की चीज़ें जब आप रोशनी वहाँ फैला देंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, सूरह बकरा पढ़ेंगे, तो उस रोशनी में ये चीज़ें गायब हो जाती हैं, मिटा देती हैं इनको, अंधेरा जैसे गायब हो जाता है। ये सब आपके सामने फैला दीजिए, जा सकते ज़िंदगी रहे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।